देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज औकात बता दे हेलन, तू देखी पापा देखी हमारा बात के आप मिला लिया। आज हमें लेके के छोड़ अब ना 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 कॉलर धरे के साहस ना करी। आदित्य जी आप ना, हम अभी आयल रही पूजा संगे कॉफी पिए, सब लोग के हाय कहते। ओके बाय पूजा, बाय एवरीवन। तू एकरा साथ बैठ के कॉफी पियो त्रालू, और हाथ में काबा दिखावा दिखावा परफ्यूम, ये बहुत महंगा भी बुझा रहा है। रोहित देखा था, हाँ खूब महंगा है। पूजा की पसंद है। पूजा तो आदित्य अग्रवाल के फोन से हमने के एक बार फोन काहे ना कर लू हा? अरे बाबा हम तो जात रहनी हा, और हम फोन पे करत रहनी, तभी तू लोग आ गई ले। ए रिंकी परफ्यूम देखा, रिंकी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तू फेंक काहे देलू, का भेल अचानक? व्हाट्स रॉन्ग विथ मी रोहित, तोरा सबके पता नहीं के चलल बा यहाँ का हो रहल बा? और तू तू क्या नॉनसेंस बड़ू, इतना महंगा परफ्यूम ओ तो एक काहे दलस, ई तो के पता नहीं के चल रहल बा? हम तोरा से कभू बात ना करब रिंकी, कभू बात ना करब तोरा से हम। पूजा पूजा वेट पूजा, बड़की साली तू जे कैलो हो बहुत बढ़िया कैले, हमरा ऊपर पड़े तो हम उहे करती। तू रोवा मत रिंकी, चुप कर, एकदम चुप कर। पूजा सच में इडियट ही है। इतना महंगा परफ्यूम हो तो ये काहे दलस, ई तो के पता नहीं चल रहल बा? हम तोरा से कभू बात ना करब रिंकी, कभू बात ना करब तोरा से हम। रिंकी दीदी आप इतना सुबह सुबह उठ के आज पढ़ रहल बाड़ू का? का हो गेल? हे भगवान आप रो काहे रहल हई, का हो गेल? मिश्री मिश्री पूजा ना कल रात से हमरा से बात नहीं कर रहल बाड़ी हूँ। ऐसन का है? पूजा दीदी उठ गई का? अरे पूजा दीदी, पूजा दीदी आप ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? छोटी बहू सूटकेस लेके पूजा कहाँ जा रहल बाड़ी? हाँ बोला ना, ये बहुत बड़का झमेला में पड़ गई। लड़की हमारे एगो बात सुने के न मानती है। वो मामा जेबा के बा लल्लन, वो हमके फोन कैले रहलन, लल्लन के बाबूजी तोहर छोटका भाई अशोक कुछ दिन खातिर कोलकाता आयल बा, गेस्ट हाउस में वो रुकल बाड़े, आज चल जी है। और ओकरा देख के लाली एकरा फोन कैले के तू हमरा बाबा संगे चला, और वो नीचे उठ के वो जा रहा ककरो बात न सुन रहा। पूजा ए पूजा तू अकेले 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 हमके छोड़ के चल जेबू, तू पहले तक कबो ऐसे नेखे कर रलू ना? हाँ बता माँ, मामा कहले बाड़ी जल्दी निकले के होखी यहाँ से,
अगर हमने इहे लेट से निकलब तो सही समय पे ना पहुंच पाए गेस्ट हाउस। एक बार तू ये बोला हम का करी। अब हम का बोली, छोटी बहू अपन बेटी के अपन भाई के घर भेजा तारी, अब एमे हम का बोला बतावा। माँ हम तक रखे कब से समझा रहल बानी, लेकिन ये समझते नहीं के तम का कर काहे। दादी माँ काहे बोला था का हम अपन मामा घर भी ना जा सके नी, कोने दोस्त के घर तक ना जा रहल बानी, हम आज जाए बस। पापा चली रुका, तो क्या आज का हो गया बोला था, सबके साथ ऐसे काहे बात करता था। छोड़ा छोड़ा पूजा, चाय के अगर सोचे ले लू हा तो चाय के वक्त रोवा धोवा मत करा। ओ पूजा दीदी आप चलती चलती आ जाइबो ने यहाँ पर, देखा आप ना खे रहबू ना तई घर पूरा खाली हो जाए। हाय मिश्री सिर्फ तहार खातिर आई और केहू खातिर ना आई। पापा चली। उफ, चल गए। अरे रुका बोलता हूँ। छोटी माँ, छोटी माँ पूजा बहुत गुस्सा में है अभी। वो काहे काहे गुस्सा ना करी है पता बा रिंकी, आजकल तहार ना सेठ के जैसन दिमाग खराब हो रहल बा, का जरूरत रहे तो के पूजा के हाथ से वो परफ्यूम के बॉटल लेकर फेंके के बतावा। ये बात तो सबके मालूम बा कि हमार बेटी के सज धज के रहल अच्छा लागेला। छोटी भाभी रिंकी एकदम सही काम कर लिया हा। तो रिंकी पे काहे गुस्सा करत आरू, राजीव और नंदा हमरा के सब कुछ बता देनी है। हमको जाना था नहीं आदित्य अग्रवाल के, पूजा के का जरूरत रहे आदित्य अग्रवाल के परफ्यूम के बोतल लेवे की। मतलब परफ्यूम के बोतल ले ली तो का हो गई। अरे वो बाबा वो तो सेठ के दोस्त बना और मिश्री से तो कैसे भाभी भाभी करके बात करे ले। मुझे एक दिन करके नया नया गाड़ी लावेला ऊ। हाँ मिश्री ओहे आदित्य अग्रवाल पूजा के रेस्टोरेंट में देख के खुद आकर ओकरा के जॉइन कर ले रहे। हाँ हमके भी ना तनी तनी ना हमके भी गोलमेल ही लागल, हमरा के देखते मात्र भाग गए वहां से। तू लोग ना कुछ ज्यादा ही सोचत बाड़े। अच्छा ये बतावा कि तोकी काहे लगत बा कि रिंकी ओकर परफ्यूम के बॉटल फेंके अच्छा काम कर ले बाड़ी। पता ना देखा तू। अच्छा हमके ना ऊपर जाके पौधा में पानी डाले के बा। अच्छा मिश्री हाँ? जमाय बाबू खातिर एगो अच्छा सा चाय बना दा। हाँ बड़का जमाय बाबू चाय बना के लेके आए आपके खातिर। एकदम माँ आज आप छोटी भाभी के काहे कुछ ना बोली हा? आज तो आपके बोले के चाहिए ना, पूजा की हालत छोटी भाभी की वजह से भइल बा, अभी तक मैच्योरिटी नहीं खियाइल, वो सुष्मिता के साथ कैसे रही बतावा था। हाँ ये बात तो हम के ये बात की चिंता है, आफ्टर ऑल हमार माए तो एकदम से अलगे है। ये खातिर तो हम ना चाहत रानी के जल्दी शादी होए, तुहे तो सरिता शादी के जल्दी कह लू। अरे बाबा पूजा के माँ ही ना बड़ी भइल तो पूजा कहाँ से बड़ी हो जाए। ओ
पहुंचा दी थी, तो जल्दी जल्दी वापस आ जाए पूना। आए मिश्री, सिर्फ त्योहार खाते रहे और केहू खातर ना आए। अरे रिंकी दीदी, आप काहे उदास बैठा लेन बोली था? एकदम चिंता मत करी, पूजा दीदी के गुस्सा एकदम ठीक हो जाए। अच्छा दीदी, आप बड़का जमा भाभी को बोली था एक बार पूजा दीदी के फोन करे खातिर? ओता हो जाए, लेकिन हमने के रिंकी के मूड के ठीक करी। हाँ, इनकर मूड ठीक करे खातिर हमरा पास एगो रास्ता है, बस बहुत बढ़िया। ए बड़की साली, हम कहते तो के का खाए की इच्छा करता, हम ले ले आए। वो तो मिश्री भी खिला सकेले ना रिंकी दीदी, आप तो सिर्फ बोली ना कि आपके का खाए के बा, अभी जोन खाए के मन करी वो अभी बना देब हम। जाना थे मुझे भैया है ना, अरे जो छेना दे थे आज उनका के पूछे के ही पड़ी कि छेना हमके बिल्कुल भी अच्छा नहीं खिला गेला उनकर। जो छेना दे थे वो एकदम भी अच्छा नहीं खेबा, एक खाते मिठाई भी अच्छा नहीं खेओ खेला। वो चाचा जी जो बोले तरले ना। अच्छा सोना, तोरा पास कोनो दवाई बा का? हमके जरूरत है। देखते हैं सोम भैया। आपके पेट में दर्द का है ओरल बा? लेकिन अरे जानत है वही है ना रिंकी दीदी, बड़का भैया गुस्सा में कल रात में नेखे खेले रहे यहाँ पर, और बाहर की दुकान में जाके खाए से तेल मसाला खाए से तो पेट में दर्द हो की ना बताई था, तो फिर इतना जल्दी कैसे आ जाए मुझे? अच्छा हम आप लोगों ने खातिर कुछ पानी लेके आवा थे, ठीक बा, पेट ठंडा करी। एक बात तो के बता देते हैं, देखा राजीव सब चीज में एक्सपर्ट, सिद्धार्थ एकदम बैठल बैठल बहुत बढ़िया बहु पा गई। ए सिद्धार्थ सुनो, इमर सुनो तो एक बार, तुहार घर वाली में कितना गुण है तनी सुनत जा। तुहार घर वाली के छाने के विचार करतिया, ओका साथे कौन खाना खाए उचित है ना उचित वो विचार करतिया एकदम अभी अभी। ये लड़की के ऊपर व्यवसाय के भविष्य। एक दिन देखिए तोरा बाबूजी के जगह सब आदमी मिश्री के देखिए। का घर वाली पहले हो, एक्सेलेंट। ये बात तो तू जानत हो कि तू एगो बहुत बढ़िया घर वाली पहले हो। एनीवे तोहार घर वाली के को बात बुझे के चाहिए, वो तारा साथ जे मन हो वो कर रहे, लेकिन हमार मामला में कोनो भी प्रकार के दखल अंदाज हम बर्दाश्त ना करब, हमरा बारे में बात भी ना करे। यही खातिर, खाली यही खातिर हम कहले रानी मिश्री बिजनेस ना ज्वाइन करी। एक बार भी सोम भैया के मन के बात क्यों समझला सा? तारा का कहनी आना कि अपन मुंह बंद करके रहिया। सोम भैया के विषय में कमेंट कइल का तार बहुत जरूरी रहला। देखा मिश्री, तारा बिजनेस ज्वाइन कैले से सोम भैया के कितना खराब लगल बा, इतना बुद्धि तो तारा हुई हम आशा करतनी। हमार लाइफ हेल करके तारा शांति नहीं मिलल अभी तक। अभी का हमनी के घर में एगो नया झमेला क्रिएट कर के कोनो जरूरी बा? बेकार में आप हमके काहे सुना रहल बानी गुस्सा वाले साहब, हम तो बड़का भैया के खातिर ही कुछ दवाई लेवे गेल रहनी वहाँ पर जो उनसे पेट ठंडा हो जाए। वो बाहर के खाना खाए से केहू के पेट ठीक रही का बताए, हमके पेट तो और खराब हो जाए ना। और अगर सिर्फ इतना ही बात बाता उनका कि हम कुछ भी नहीं बोलब,
मिश्री कारखाना के साधारण कर्मचारी बन के ही काम करी। बड़का भैया ही सब कुछ है वहाँ पर। मिश्री छोड़ा ना, शांत हो जा। देखो सिद्धार्थ, सोम जे व्यवहार कैले है वो व्यवहार ठीक नहीं है। मिश्री तो चाहत रहे कि वो कर व्यवस्था ठीक करे। अगर ये बात सोम ना बुझता वो में का कल जाए बुझता। राजीव भैया कम से कम तू तो एक साथ मत दब प्लीज। दादाजी के जाके कहो कि एकरा के जैसे दुकान में ना भेजस। उजार के हुआ बकबक करके बोली का कि ये कर स्वभाव है। सोम भैया के ईगो लेकिन हर्ट हुई। राजीव भैया वो तनी के समझत नहीं खेलो। कोनो जरूरी बा इस स्टूपिड बिजनेस के लिए इतना झमेला कैला के। बड़का जमाई बापो, आपके घर के गुस्सा वाला साहब से एक बार पूछी था आप, दादाजी के बनाइल बिजनेस के वो स्टूपिड बोल के कैसे कर सका थी ऐसा। इसे दादाजी के अपमान नहीं होखे लगा। देखा मिश्री, तू एकदम हमरा के ज्ञान देवे मत आइया। दादाजी हमार कौन बात के खराब माने नहीं, कौन बात के खराब ना माने नहीं, वो हम अच्छा तरीके से जानते हैं। नेखे जानत है। दिन में 100 बार आप लोग दादाजी के बिजनेस के बंद करे की बात करे ले, वो दादाजी के मान अपमान नेखे हो खेला का। ये बिजनेस से दादाजी के मान सम्मान है। अपन हाथ से मिठाई तैयार करे के आदमी के खिलावे के आनंद जिबाना, वो ठंडा घर में बैठे से टेलीफोन और बटन दबावे वाला मशीन में काम करे से नहीं के समझ में आवेला। यही खातिर ई बिजनेस के स्टूपिड समझ रहे हैं। अपन हाथ से अपन तरीका से कमाई करे के खुशी वो दूसर के गुलामी करे में नहीं के बात। ये बात तमिश्री बोली दे रहे बाड़ी। हाँ सुना, हम अब भी दादाजी के बोलते नहीं कि तू बिजनेस ना करबू, कोनो दुकान में ना जेबू, कहे हम ना जाए देम बस। कुछ ऐसी बात हो गई। सर्वनाश। उफ मिश्री, तू का बोले, तू इतना बोले कि का जरूरत रहे। का करी बड़का जमाई बाबू, मिश्री जब स्पीड में बोले लग जाली ना तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं कर सके लियो। अरे बाबा तू अपना आप के कंट्रोल करो ना। ए साली सुनो तो घर वाली, कहते कि जा जाके दादाजी से जाके बात करो, जा जा जा। इस सिद्धार्थ हीरो नियन बोल के गई है ना, हम जाए ना दे बस। हमके लगे लो साचो साचो एकरा के अटका दी। अरे हमरा के तो ऑफिस जाए के हमके लेट होता ना तो हम जीते तोरा संगे। नेखे जीजू भैया के मिश्री के सामने नेखे चलेला आए, और ये बात हम देख ले बानी अच्छा से। मिश्री के गोपाल जी मिश्री के बहुत हेल्प करी है, डर मत करा। रिंकी दीदी, हाँ हमके लागत बाकी हम कुछ ज्यादा ही बोल देनी उनकर आगे तो। और कहा पति के काके हो उतना ज्ञान देवे ले। स्पेशली पति अगर गुस्सा वाला हो खिता। मिश्री तू अपन गोपाल के काहे ना बुलावत बाड़ू। गोपाल जी हेल्प हेल्प। दादाजी मिश्री जैसे आज से ही बिजनेस में ना जाई, ओकरा बेस किसन में गईला के कोनो जरूरत नहीं कि हम सीरियसली बोलते हैं। दादाजी अब का हो गईल। दादाजी मिश्री खातिरी घर में खाली खाली अशांति क्रिएट होता, हम नहीं चाहती। दादाजी आप काहे एक बिजनेस में भेजता नहीं बोली था, का होता ऐसे भेज के। बिजनेस तो ठीक है चला तर रहा इतना दिन, अगर लॉस होता था बिजनेस के सेल ऑफ करता दुकान सब। सिद्धार्थ तुहार दिमाग का एकदम से खराब हो गया बका। तू सिद्धेश्वर बाबू के व्यापार बेच देवे के बोलता रहा। ता फिर ता सिद्धार्थ तहार सर जैसन इंसान के का होई सोच के देख ले। हाँ
अरे आई आई आई, नमस्कार 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 नमस्कार। काजी मिठाई ठीक रहे तो? ठीक रहे माने? बहुत सुंदर रहे का कही, हमने के गेस्ट के तो बहुत अच्छा लागल। बोला वो तो कहत रहले कि अभी तुरंत ऑर्डर कर दा। कोनो तरीका से उनका के समझा ले है। हमने कहनी कि ना इस सिद्धेश्वर मोदक हमने के खातिर स्पेशल ऑर्डर घर तक पहुँचे ले हा। अब हम आपके का कहें, इतना ना बहुत बढ़िया रहे। अच्छा मिश्री कहाँ बा, बाकी लोग सब कहाँ बा? या आ गए आ गए, हजार साल उम्र बा, नाम ना लेने के हाजिर हो गए। का मिश्री तू पति देव के सामने इतना डेराइल कहे के बाड़ू? सोचा तारू मिठाई खराब हो गए बोल के तोहरा का डांट दिए। मिश्री सिद्धार्थ डांटिए तो तहार चाचा उनका के डांटिए। तहार मिठाई बहुत अच्छा रहे, थैंक यू सो मच। तू ही तो सब कुछ देखभाल करे लाना बाबू, तू लोग ऐसे ऊख के गुड़ के कच्चा गुल्ला काहे ना इंट्रोड्यूस कर ला दुकान में? ए बार सब इंट्रोड्यूस हो जाए सर। अरे पहले बैठी रवा लो ने जवा। अरे नाना भैया आज बैठे ना आयल बानी, एक्चुअली एगो बात कही आयल रहनी। आप तो जाने ले कि हमने के बेटा विदेश में रहले, एक्चुअली ओकर शादी ठीक हो गई, यही से कल के कुछ लोग आयल रहे, मतलब ओके होकर वाला ससुराल से लोग आयल रहे, लड़की के माँ पापा सब विदेश में रहले। ओ मिठाई के इतना तारीफ कहले भैया, मतलब कहा बोली, हमने इतना प्राउड फील करेंगे ना, ऐसा लागत रहे कि हमने के सम्मान बचा लेनी। यही खातिर हमने सिद्धार्थ और मिश्री खातिर एगो गिफ्ट ले ले है। मैम अभी तक कुछ दिन पहले ही रवा गिफ्ट देनी है, गिफ्ट के का जरूरत रला? इट्स ओके सिद्धार्थ, मिश्री तहार सर के चाचा कह के बुलावत है। ता फिर का भइल, मिश्री भी तो हमार बेटी है। अच्छा सिद्धार्थ तहार सर बताइले कि तू काम खातिर इतना पागल बाड़े कि शादी के बाद एक दिन में छुट्टी ना ले ले? ना ना भैया, इतना ना हो पाई तो के छुट्टी लेवे के पड़ी। तो के छुट्टी लेके मिश्री के साथ है कुछ दिन समय बिताई है। का भाई दा? ओ, हाँ, हाँ। इला अरे पकड़ा इटा भाई, फाइव स्टार होटल है, एगो पैकेज बुकिंग। मौसा जी अब सिद्धार्थ के कोनो बहाने जवाना चले दे हम, ई तो मिश्री के हक हटे। आ ढेर दिन के छुट्टियों ना लागी जी, बस दो दिन के पैकेज बाटे, तो लोग आज ही निकल जा। सर असल में दरअसल ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ल बा, और प्रोजेक्ट सब कंप्लीट करे पड़ी ना, वही से हमर नाती बड़का विपद में पड़ गेल बाटे। एक तरफ बॉस, दूसरा तरफ मिश्री, सोच के देखना का करे के बा। मुश्किल से मौका मिलल बा, छुट्टी ले ले रे बेटा। ए सुना हा? पागल हा? समझ लू तू हनीमून जात बाड़ू। ई हनु हनु की हो खेला? दीदी की हो खेला आप तू बतावा एक रखे। अच्छा सुना आपके का लग रहा बाप, भैया जाइए का? तू लोग का बोल रहा बाड़ू, हम के समझाइबो का तू लोग? आवा 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 आवा। का बेल दीदी, का हो रहा बाप? अरे रिंकी दीदी आप जमाई बाबू के फोन करी था? दीदी कैसे कैसे कर रहा बाड़ी, आपकी तबीयत तो ठीक बा ना? कैसे कर रहा बाड़ी के का मतलब बा? दीदी सच में तुम्हारी तबीयत तो ठीक बा ना?
जैसे स्टूपिड तू वैसे स्टूपिड ई, तू दोनों के साथ रहला से कैसे तबीयत ठीक रही? ए मिश्री आवा, एक बार पहन के दिखावा था है? ए दीदी, ई कपड़ा था मिश्री पहनी का कैसे पहनी मतलब सही तत्व तो के स्टूपिड कहनी। अरे बाबा, सीट के बॉस सीट और मिश्री के एक साथ हनीमून भेजत बारे, जहाँ पे सीट और मिश्री एक साथ रही है। मिश्री के तो नाइट ड्रेस पहने के पड़ी ना, मिश्री के पास तो नाइट ड्रेस ही ना बा। ना ना दीदी, हमके लग रहा बा कि तू बेवजह कही तू एक्साइटेड हो रहा बाड़ो। बड़का भैया था मिश्री के लेके कैसे ले जाए हमके नहीं खिलागत बा। देखिए वो फाइनली कोनो ना कोनो बहाना बना के मना कर ही दी है बात में। रिंकी ऐसा मत बोला तू। सुना, अगर सीट के ना जाए के रहे तो वो पहले ही बोल देती। अच्छा, हमने तो मिश्री के सूटकेस के तैयार करे के पड़ी। मिश्री तू एक बार पहन के दिखावा ना कैसा लागत बा। चला जा। और कैसे जम समझाए पता ना। ए रिंकी, तू थोड़ा बाहर जा। का है? अरे बाबा तू उठा, अरे उठा उठा, चल बाहर जा। अरे जान बानी धक्का तो है मारा बड़ा तू। काबिला ऐसे देखेगा काबाए में? एगो बात पूछ के रहे आपसे, आपका सच में मिश्री के लेके जेबा ना? मतलब नेके लेके जेबा तो आप बता दिए ओकरा के कि मतलब बेचारी फालतू में ही तैयारी करी है ये बात में। तहनी के कहा हमरा खातिर और कोनो ऑप्शन छोड़ ले बड़ा लोग? हमरा के प्रॉब्लम में देख के तो तहनी के बहुत खुशी होला, यही से हम प्रॉब्लम में फसल बनी, सब कोई ना चलो खुशी से। अरे दीदी, ये कपड़ा तो हमारा से नहीं पहनल जाए, ये देखा कितना छोटा बा। मिश्री जी ऐसा कपड़ा कैसे पहनी पता ही ना चल रहा। अरे बाबा, हमारे माँ जब छोटा कपड़ा बनावत रही बचपन में, उस सब हमके बड़ा हो रहा बाप। ये कैसा कपड़ा बाप? मिश्री ये लेंथ के ही हो खेले, मतलब घुटना के ऊपर तक। सुना, तू एगो फाइव स्टार होटल जात बारू, बहुत अच्छा जगह बाबू, वहाँ पे सब केहू रात के ऐसे ड्रेस पहने ले, तू भी पहन बू। काहे जे हम इस सर्कस में फंस गल बनी के जाने, काहे सर ये सब कर गए लहन गॉड नोज। यस दीदी, दीदी हमके लग रहा बा कि भैया जई है। और बतावा हमने के मिश्री कैसे लागत बाड़ी? बहुत ही अच्छा। पेन ड्राइव कहाँ रखनी है? आप लोग सब कहाँ बोल रहे बानी, हमके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बा। हम ही कपड़ा के होटल में जाके पहनब का? इतना छोटा कपड़ा असंभव, और वहाँ तक गुस्सा वाला साहब भी हुई है ना। जी 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 ये सब कहाँ होता घर में? भगवान हम ये सब कहाँ फंस गए बनी? नो वे। पागल हो जाए अब। सर के बतावे के पड़ी जैसे ये हनीमून पैकेज सर के वेस्ट ना हो। जॉन होके एक बार हो जाओ, सर के बताए के पड़ी कि मिठाई के हम सेड कुसा सेड
हम सच में आज तोके डिस्टर्ब ना करे के चाहत रहनी, बट हम जानत बानी तो मिश्री आज होटल जात बाड़े हनीमून खातिर। बट सर तहार पेंड्राइव हमारे पास रहे ता सोचने की तोके जरूरत पड़ी उहे देवे आइल रहनी। हम चाहता नहीं भाई। कोसा तू प्लीज ऐसे मत चल जा, तू बैठा हमरा तरह से बात करे के बा। हमसे बात करे के बा? ये कैसे हो पाई सर? तोहरा के तहार बीवी के साथ बात करे के चाहिए, और तू और हम अगर अभी बात करब ता तहार फैमिली के भी अच्छा ना लागी। ऑल द बेस्ट सर, हम चला था नहीं। ना 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 दीदी, हमरा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुई। आपके पता बाना हम कितना घबरावत है, और आपके पता बाना कि वो हमरा पे कितना गुस्सा करे ले हमेशा। अरे मिश्री, अब तो तहार शादी हो गई बा, अब तो के थोड़ा अलग सोचे के चाहिए। अरे दीदी, आप घबरे नहीं, हम आपके खातिर कॉफी लेके आवत हैं। कोसा अभी कॉफी ना पियन, अगर अकुरा कॉफी पिए के मन भी करी तो हम बना देंगे। कोसा प्लीज बैठा, हमरा कोसा के वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लेके डिस्कशन करे के रहे, हमने की थोड़ा अकेला छोड़ रहा। बिल्कुल रिंकी, चलो ऊपर चलो। मिश्री आवा आवा, तहार सूटकेस भी रेडी करके पड़ी, आवा आवा। सिर्फ तो हमरा के काहे रुके के कहले बारे बोलबा, सबके अच्छा ना लागत बा कि हम यहाँ पे आल बानी। तो दोनों तो हनीमून पे जात बारे ना जा ना। कोसा प्लीज, तू हमरा के ऐसा समझे तारू कोसा? देखा, हम अभी सब संभाले नहीं सकत कोसा, तू इतना इमोशनल ना होके थोड़ा दिमाग ठंडा करके हमरा के आगे ऐसा कोनो बुद्धि दा ना। पहले के जैसन मतलब? आगे मतलब मने मतलब मैनेजमेंट स्कूल में हमनी के जैसे रहनी सन, ऑफिस ज्वाइन करे के समय जैसे रहनी सन, यू नो उस दिन हम बहुत मिस करेनी कोसा, वो रिलेशन एकदम अलग रहला ना उस समय जब यू नो तू हमरा के खाली दोस्त समझत रहलू, का हमनी के उस संबंध वापस नहीं बना सकत? वो सब कैसे हो पाई? अब तो तहार शादी हो गई बा। नॉट अगेन कोसा, देखा हम मिश्री के संग कहीं नहीं जाए के चाहत कोसा, इनफैक्ट हम ही गिफ्ट एक्सेप्ट करते नहीं खाली मैम खातिर, मैम हमरा के हनीमून पैकेज दे लिया वही से हम एक्सेप्ट करनी है, अगर हम गिफ्ट ना लेती तो कितना खराब बात तुझे जानते रहो तू। देखा कोसा, ये होटल में एक संगे जाइल एक संगे रहल इस चीज हम डेस्परेटली अवॉइड करके चाहता नहीं, तू हमरा के कोनो को बुद्धि दाना जैसे कि घर में कोई के पता ना चलो। सिट्टा तो फिर एक काम करा ना, तो अकेला चला जा, तब फिर तहार फैमिली के भी लगी है कि तू ट्रैप में ना फंसे के चाहत बाड़े। तू सर की बोल दिया कि तू और मिश्री अच्छा से एंजॉय कर ले रहे, देखा आई गेस मिश्री तो बोली है ना सर के कि तू मिश्री के ना ले गई ले हा, और फैमिली के लोग भी शर्म से बोल ना पाई है ये सब, अब हम की तो यही उपाय सही लगल, अब तू देख ला का कर बे, हम जाता नहीं। सच में ये वो उपाय बा, न तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाए हम। ना ना, ये झमेला से जैसे भी हो खमरा निकले के ही पड़ी। अरे रिंकी दीदी सुनी ना, आप दोनों कब से का करल बानी कुछ तो बताई, इतना सारा कपड़ा रात के पहने वाला दे रहल बानी, अभी हमारे सारा कपड़ा सूटकेस में रख रहल बानी, आप काहे बताई? हाँ काहे बताई, तो मिश्री जौन कपड़ा पहने लू पहने लायक नहीं के बका।
मिश्री हम ऐसा तक कुछ भी नहीं के कहानी। अब देखा हम जोन कपड़ा तो के दे रहल बानी अभी से कपड़ा पहन के तू भैया के साथ होटल के हर जगह पर घूमे जा सकेलू। रिंकी इला काफिला का भइल बा का बोला तरी? अरे बुआ जी हमके ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहल बा। एक तो गुस्सा वाला साहब जई है हमरा साथ है और आप सब वहाँ पे नेकी हुई है और उकर बाद सजे धजे के पड़ी चले के पड़ी उकर बाद इतना 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 कुछ करल बानी ना आप लोग हमके मिश्री कितना नर्वस हो रहल बानी ना। ओ बुआ जी नेकी जाए के बा बुआ जी नेकी बचाई तो के मिश्री ए जावा सुना तोहर अकल चल गई बका ना के ना गई समझ में नहीं आवत सिर्फ तोरा के हनीमून लेके जाओ तरह मिश्री शादी के बाद पहला बार दोनों लोग अलग से दोनों के वक्त बितावे के मौका मिलल बा तू लोग एक दूसरे से बात कर सकेला सच में तोरा खातिर बहुत बड़ा मौका बा मिश्री। साचो में बुआ जी हम तो सोचे नहीं पारल बानी कि भैया फाइनली एकरा के लेके जा रहल है हमके तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहल बाप वो तो करियर के डर से ही बात में तैयार हो गए बाप लेकिन चाहे कुछ भी हो मिश्री के गोपाल जी मिश्री के हेल्प जरूर करी हैं बोली था माँ मिश्री के बता दा के जे जे चीज देत बानी सब अपन साथ लेके जाए चुपचाप बहुत सोचत बाड़ी मिश्री बहुत जिद कर ले लू तू अब रहे दा इससे अच्छा ओकर रेडी होए में हेल्प करा और हम जाता नहीं पिताजी की कॉफी दे क्या आवत नहीं। ओ दीदी हम के ना बिल्कुल अच्छा नहीं खे लग रहल बा और हमके तो बहुत ही डर लग रहल बा और आज तो हम कारखाना भी नहीं की गनी ना। एरिंकी भाई तो हम आके जो सुनी है वो सब का सच है मिश्री अब बड़का भैया हनीमून पर जाता लोग मिश्री तार कड़वा करेला तो एकदम बदल गए हो का भाई बोला तो तू का मैजिक कर लू अब कड़वा करेला के ऊपर हम अब का बताएं सीरियल वाले भैया आपके हमके तो ये बात में कुछ भी समझ ही नहीं क्या रहल बा। देखिए आप लोग जो ये हनी हनी कर रहल बानी ना ये बात हमके बिल्कुल भी समझ में नहीं क्या रहल बा और तब से सब लोग कर रहल बानी हमके कि खूब अच्छा से बात करिया वहाँ पे बहुत ही मजा आई ई होई ओ होई कुछ भी नहीं की हुई। अरे गुस्सा वाला साहब काहे बदलिए और मिश्री ओकरा काहे के मिठाई खिलाई है बताई तो जात यहाँ पे खातिर कॉफी लेके आवत है हम। अरे मिश्री बात तो सुना चल गई हो गई दीदी हमरा लेकिन ये सब विश्वास होते नहीं थे एकदम फाइनली यो हो गई हाँ यहाँ पे खड़ा खाए बाड़ू तू चला पैकिंग तो जल्दी करा का पहले मिश्री तू चुप काहे बाड़ू अरे बाबा केहू लड़की के समझावा ये हनीमून पे जात बाड़ी ये लाइफ के कितना बड़ा एक्सपीरियंस बा ये मौका बा सिड के अच्छा से समझे के का हो गए अरे सुनता का हो गई ई कैसे हो गई सब सिद्धार्थ घर छोड़ के चल गई तू तो हमरा के फोन पर बोल लो कि सिद्धार्थ और मिश्री तो दोनों होटल में है वो ऑफिस के बॉस सब कुछ गिफ्ट दे ले हाँ तो का हो गई ली हाँ सिद्धार्थ एकदम हनन करके यहाँ से चल गए का भेलो कहाँ गए भैया जल्दी जल्दी करके निकल गए लहन तू ठीक से देख ला हा? अरे हाँ हम सब टैक्सी के पेमेंट करते रहे तो देख ली हम जात सिद्धार्थ के हम तो चिन्हत हैं